सो गाइस यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ना आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स और ना देखो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक मतलब बताइए ना इस वीडियो में, भाई आप भी एक राइस्टार के जैसे खेल सकते हो। राइस्टार जो मतलब पहले मोबाइल के अंदर खेलता था वैसे आप आसानी से खेल सकते हो। अभी तो पीसी के अंदर खेलता है, लेकिन पहले तो मोबाइल के अंदर खेलता था ना, पहले भी कितना गोल्ड लेवल का गेम प्ले करता था, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ना एक छोटी सी क्लिप आप देख ही लो उसकी। When I start to feel unattached, to my eyes and I'm feeling bad. Found your dad, listen. Oh yeah, Baba. सो गाइस यार जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा उसका देखो गेम प्ले किस टाइप का है, गोल्ड लेवल कितनी गोल्ड लेवल का गेम प्ले होगा। यार मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा और ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जिसकी वजह से ना आप भी ऐसा खेल सकते हो आसानी से, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक ऐसी बताऊंगा और ना मिस्टेक नहीं करनी है, सभी कुछ बताऊंगा इस वीडियो। सो गाइस यार बहुत ही माइनर मिस्टेक है तो मैं आपको बताऊंगा सभी कुछ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ना बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, ठीक है। लाइक नहीं किए हो तो, और ना चैनल पर न्यू आया तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी याद से ऑल पर सिलेक्ट कर देना है। 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दो। सो गाइस यार राइस्टार अपने गेम के अंदर यूज करता है, सबसे मेन चीज जो निकल के आएगी ना वो है अपनी सेंसिटिविटी। तो गाइस देखो सेंसिटिविटी मैंने क्यों बताया, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक सबसे बड़ा कारण। चक्कर यार राइस्टार का क्या चक्कर यार, सभी लोग उसके बेचारे के ऊपर कूद पड़े हैं। नहीं 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 यार वैसे कुछ नहीं, वो बंदे का पहले भी ऐसे था मगर तब हेड नहीं लगता था, अभी वो सेंसिटिविटी का खेल रहे। जैसा कि देखो ज्ञान भाई भी बोल रहे हैं कि मतलब सेंसिटिविटी का खेल है सभी कुछ, और मैं भी बोल रहा हूँ, मैं लिख के बोल रहा हूँ भाई कोई हैक वैक यूज नहीं करता। और ना बहुत सारी बहुत पहले ना देखो एक निकल के आया था कि हैक यूज करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बस देखो उसने अपना गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है, गोल्ड लेवल का कर लिया है और ना सेंसिटिविटी का सबसे बड़ा खेल है। सही बोला उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट वाली सेंसिटिविटी आपको कितनी रखनी चाहिए। सेंसिटिविटी का ही सबसे बड़ा खेल है, अगर आप मूवमेंट दिखाना चाहते हो तो सेंसिटिविटी सबसे मेन काम करती है, अगर आप हेडशॉट लगाना चाहते हो तो सेंसिटिविटी सबसे अच्छा काम करती है, और अगर जिगजैग मूवमेंट भी दिखाना चाहते हो राइस्टार की जैसा तो आपको जिगजैग मूवमेंट के लिए भी आपको सेंसिटिविटी ही बेस्ट काम करे। सो गाइस यार बेस्ट वाली सेंसिटिविटी मैं दिखा देता हूँ, बैक में देखो जनरल को 95 करके रखना, रेड डॉट को 96 वगैरह, ठीक है, 2x और 4x को 100, और ना स्नाइपर इसको आपको 45 करके रखना, और फ्री लुक का जो होता है ना उसको आपके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। एक लो एंड डिवाइस है तो देखो 60 प्लस रख लेना, और एक हाई एंड डिवाइस है तो 45 प्लस रख लेना, ठीक है। और ना अभी तो रुको, आपको इस सेटिंग से कुछ भी नहीं होने वाला, ये वाली आप सेंसिटिविटी यूज करोगे तो इससे तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला, आपको थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस करने सेटिंग वगैरह करनी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो गाइस यार नेक्स्ट नंबर की जो सेटिंग निकल के आएगी वो मोबाइल की सेटिंग होने वाली है। आपको देखो लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो पॉइंटर स्पीड सर्च करना है, जैसे आप पॉइंटर स्पीड सर्च करोगे उसके बाद देखो स्लाइड करना है, देखो मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंटर स्पीड जैसे आया ना स्लाइड करना है, उसके बाद देखो आपको बढ़ा लेनी है अपनी, फुल कर लेनी है पॉइंटर स्पीड। ये ना लिटरली बताऊं तो आपको टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहेगा, टच रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो आप देखो अच्छी तरीके से गेम खेल पाओगे, गेम अच्छी तरीके से खेल पाओगे तो आपका मूवमेंट भी इंक्रीज होगा, मूवमेंट इंक्रीज होगा तो आपको पता है क्या क्या हो सकता है। सो गाइस यार फाइनली बात करेंगे, आपको देखो मतलब एक और सेटिंग करनी है, क्या करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको राइस्टार जैसा खेलना है तो आपको डीपीआई बढ़ा के खेलना पड़ेगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ना देखो अगर आप राइस्टार जैसा खेलना चाहते हो, बिल्कुल वैसा खेलना चाहते हो और उससे भी अच्छा खेलना चाहते हो तो डीपीआई तो ऑन करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल देखो मूवमेंट भी डीपीआई से ही होती है, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करना है। जो भी कस्टम वगैरह खेलते हैं बंदे खेलते हैं, देखो आपने टूर्नामेंट्स में देखे होंगे बहुत सारे बंदे देखो डीपीआई का यूज नहीं करते, लेकिन ना उनका मूवमेंट भी बिल्कुल सड़ा पड़ा होता है। लेकिन वाइट एफ विंग्स और राइस्टार ने देखा है आपने बहुत बार, देखो कस्टम ही खेलते हैं और ना देखो उसका उनका मूवमेंट भी भाई गोल्ड लेवल का है बिल्कुल, और ना वो सभी डीपीआई का यूज करते हैं, पीसी में भी डीपीआई होती है, देखो मैं बता देता हूँ सभी के सभी बंदे डीपीआई का ही यूज करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप डीपीआई का यूज करोगे तो जितना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, जितना डीपीआई का यूज करोगे इतना अच्छा होगा। मैं आपको बता देता हूँ परफेक्ट कितनी होगी आपके लिए, एक लो एंड डिवाइस है तो 450 तक कर सकते हो, अगर आप राइस्टार जैसा खेलना चाहते हो ना 450 ठीक रहेगा, ठीक है, और ना एक हाई एंड डिवाइस है तो 600 तक कर सकते हो, ठीक है, हाई एंड डिवाइस 4GB से ऊपर, और एक लो एंड डिवाइस 4GB या 4GB से कम, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ डीपीआई जैसे आप कंट्रोल करना सीख गए ना तो आपका गेम प्ले भी बिल्कुल ही गोल्ड लेवल चला जाएगा, ठीक है। कैमरा हैंग मूवमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और ना अगर आप डीपीआई का यूज करोगे तो भी आपका कैमरा हैंग मूवमेंट होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा टिप्स, आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कैमरा हैंग के ऊपर, ठीक है। तो गाइस अब फाइनली बात करेंगे खेलना कैसे, आपको किस टाइप से खेलना है, कितना गेम खेलना है, किस में खेलना है, क्या करना है, सभी कुछ बता। सो गाइस यार जैसा कि आप सभी ये वाली क्लिप में देखना है, देखो राइस्टार कोई भी जल्दी नहीं करता, आपको ऐसा ही करना है हमेशा कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, किल्स के चक्कर में कभी भी आपको देखो कभी भी 4-5 बंदों के बीच में नहीं घुसना है, ठीक है, ऐसा कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो अगर आप मूवमेंट दिखा के अच्छे से निकल गए वहां से 4-5 बंदों को आसानी से बाद में हैंडल कर सकते हो, ठीक है, तो आपको किल के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, ऐसा कुछ बोलना चाहता हूँ। बात कर ली जाए आपको देखो मूवमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको देखो सबसे पहले कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन सही साइड रखना पड़ेगा। सो गाइस सही बोल रहा हूँ मैं, आपको देखो केली यूज करनी पड़ेगी, जोसेफ यूज करना पड़ेगा, और ना अपना आलोक यूज कर सकते हो, और ना एक ऑप्शनल आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे मैगजीम हो गया, मैगजीम यूज नहीं करो तो आप देखो केली का यूज होता है ना, देखो हैकर आई मोको का यूज कर सकते हो, ठीक है, इन चारों का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा अगर आपको मूवमेंट अच्छी करनी है तो। और ना आपको देखो ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं खेलना है, कम से कम
प्लानिंग ग्राउंड खेलना है और ना आपको देखो कस्टम सबसे ज़्यादा खेलना है। कस्टम में जितना ध्यान दोगे और उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ना अनलिमिटेड ग्लोवल्स होते हैं कस्टम में, और कस्टम में जितना गेमिंग स्किल आपका इंप्रूव होगा वो देखो ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं हो सकता, क्योंकि ना आपको देखो अच्छा सा गेम प्ले करना है, और ना अच्छा सा गेम प्ले के लिए आपको देखो ग्लोवल की जरूरत पड़ेगी। ग्लोवल ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत कम होते हैं। अगर आपके पास कस्टम्स है तो 1v1, 1v2, 1v3 खेलना स्टार्ट कर दो अभी। और एक और मेन बात, आपको अपनी कस्टम एचयूडी कभी भी चेंज नहीं करनी है। एक बार अपनी कस्टम एचयूडी फिक्स कर लो, ठीक है, और सेंसिटिविटी भी कभी चेंज नहीं करनी है आपको, उसी के अंदर हार्ट बिठाना पड़ेगा। भले ही आपका हेड नहीं पड़ेगा, कभी ना कभी तो पड़ेगा, और ना वैसे आप सेट हो जाओगे उसमें, ठीक है। तो जैसी सेंसिटिविटी है मैंने बताई है वैसी आपको यूज़ करनी है, और कस्टम एचयूडी कभी भी चेंज नहीं करनी है, बस इतना सही बताना था आपको। तो गाइस यार आज के वीडियो में बस इतना सही, वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ ये अच्छे शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करना। तो गाइस मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।